अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रई जाहिद फ्रॉम एबीएसएन एसोसिएट्स बैठा टाउन कराची। और आज हम आपको स्पेशली बताना चाह रहे हैं कि 125 स्क्वायर यार्ड में के साइज़ के प्लॉट्स में अगर आप बैठा टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कौन कौन से प्रेजेंट बेस्ट हो सकते हैं और किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको मिलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स आपको किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मिलेंगे और कौन सा प्रेजेंट इस टाइम आपके लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस टाइम अली ब्लॉक आपको पता है कि इस टाइम पूरे बैरिया टाउन को लीड करता है 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के साइज़ में। तो 120 वहाँ पे आपको प्लॉट के प्राइसेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं अराउंड 7 मिलियन से अराउंड 8 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर। तो आपको मिनिमम भी वहाँ पे प्लॉट मिलता है इस टाइम विद अलॉटमेंट वाला अच्छी लोकेशन का, तो वो 70-75 लाख का मिलता है। और अच्छी लोकेशन में आप जाएंगे तो 85-90 लाख या उस 95 लाख तक भी आपको प्लॉट देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आप उसके बाद किसी प्रेजेंट की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में हो इस टाइम, तो वो प्रेजेंट 27 भी है और इसके अलावा 10B और 11B भी इस टाइम मार्केट में काफ़ी एक्टिव हैं। प्रेजेंट 10B और 11B को अगर हम कलेक्टिवली बताऊँ उसके रेट्स, तो वो भी आपको आजकल तकरीबन 5.5 मिलियन से लेकर 7.5 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर प्लॉट देखने को मिलते हैं जनरल प्लॉट। और वहाँ पे भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके अलावा प्रेजेंट 15, प्रेजेंट 14 मेन जन एवेन्यू के ऊपर लोकेट करते हैं बिल्कुल अली ब्लॉक के सामने, तो इनकी जो रेंज है प्राइस की वो भी आपको तकरीबन 6 मिलियन से लेकर 8 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर प्लॉट देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर कोई प्रेजेंट आता है तो वो प्रेजेंट 27 है। प्रेजेंट 27 में आपको देखने को मिलते हैं अराउंड प्रेजेंट 27 क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रेजेंट है और इस टाइम इतफाक से हम प्रेजेंट 27 के पास ही गुजर रहे हैं, तो मैं लेफ्ट साइड पे आपको व्यू दिखा भी देता हूँ। तो प्रेजेंट 27 में आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस की वेरिएशन मिलती है। उसकी रीज़न ये है कि प्रेजेंट 27 काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे पार्ट्स में है ये, तो कुछ पार्ट्स इसके ऐसे हैं जो अभी ऑलमोस्ट फिनिशिंग के मराहल में हैं, कुछ स्ट्रीट्स इसकी ऐसी भी हैं जिन पर अभी डेवलपमेंट स्टेटस काफ़ी ज़्यादा होना बाकी है, और कुछ इसके प्लॉट्स बहुत अच्छी लोकेशन के हैं मेन जन एवेन्यू के साथ हैं, रेडी विलास के साथ हैं। तो आपको यहाँ पर भी अराउंड 4 मिलियन से 45 लाख से प्लॉट शुरू होकर आपको अराउंड 75-80 लाख तक भी प्लॉट देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इन्हीं की सराउंडिंग में ही आपको 15A और 15B भी देखने को मिलता है। तो 15A में आपको प्राइसेस आजकल देखने को मिलती हैं इस टाइम जब हम बात कर रहे थे नवंबर 21 का मिड है, तो आजकल के दिनों में आपको यहाँ पर प्राइसेस देखने को मिलती हैं अराउंड 5 मिलियन से 7 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर। और 15B है वहाँ पर आपको 4.5 मिलियन से 6.5 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर प्लॉट देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ प्रेजेंट्स ऐसे हैं जिनमें आप अभी भी एक मिनिमम रेंज के अंदर हैं और आप बहुत से लोग जो प्लॉट कम बजट में अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए अभी भी ऑप्शन मौजूद हैं प्रेजेंट 27 में, प्रेजेंट 27 में और प्रेजेंट 15A 15B में। इसके अलावा अगर हम इससे भी कम बजट की बात करें तो फिर आपको देखने को मिलता है प्रेजेंट 25, 24, 23 और इसके अलावा प्रेजेंट 26A। तो ये भी कुछ ऐसे प्रेजेंट हैं जिनमें आपको मिनिमम बजट के अंदर कम बजट के अंदर प्लॉट्स मिल सकते हैं। तो अगर आप इन प्रेजेंट में जाना चाह रहे हैं तो आपको 25-24 के अंदर अराउंड 3.5 मिलियन से लेकर 5 मिलियन के ब्रैकेट के अंदर 35 लाख से 40 लाख के ब्रैकेट के अंदर प्लॉट देखने को मिल जाते हैं। अगर आप जाते हैं 23 के अंदर तो 23 भी ऑलमोस्ट इसी ब्रैकेट के अंदर ही लोकेट करता है और इसी ब्रैकेट के अंदर ही प्लॉट देखने को मिल जाते हैं। 26A का कुछ वो एरिया जो 100% डेवलप है उसमें आपको प्लॉट देखने को मिलते हैं 50 लाख के अराउंड, और 26A का वो एरिया जो अभी डेवलपमेंट जिसमें चल रही है वो आपको देखने को मिल जाता है अराउंड 3.5 मिलियन से 5 मिलियन के ब्रैकेट के अंदर। तो अब ये सारी प्राइसेस हमने आपके साथ शेयर की हैं, तो अब हम देखते हैं कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर कौन सा प्रेजेंट जो है वो इस प्राइस को वर्थ करता है और कौन सा प्रेजेंट है जो हम समझते हैं कि ओवर प्राइस है, या हमारे क्लाइंट्स की तरफ से भी जो हमें फीडबैक आता रहता है वो भी ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस टाइम पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको प्रेजेंट 50 लाख का, अगर किसी हमारे क्लाइंट का बजट हो 50 लाख के प्लस माइनस कुछ बजट है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमारा ख्याल है कि आपको 15A 15B में, अगर 15A में तो कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, चंद ऑप्शन मिलेंगे आपको, 15B में काफ़ी ऑप्शन मिल सकते हैं और उसके अलावा 15B से भी आपको बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं प्रेजेंट 27 के अंदर। प्रेजेंट 27 में आपको लंडन ब्रिज के पास जो अभी स्ट्रीट्स इस टाइम पे अंडर डेवलप हैं, अगर अगले आप 15 से 20 दिनों के अंदर आप ये वीडियो देख रहे हैं
तो हो सकता है ये एरिया आपकी रेंज के अंदर हो, लेकिन जब यहाँ पे स्ट्रीट्स रेडी हो जाएंगी तो ये एरिया भी आपकी रेंज से आउट हो सकता है, 50 लाख की ब्रैकेट से की रेंज से आउट हो सकता है। और इसके अलावा 50 लाख की ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेंगे 27 में कुछ स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो इस टाइम भी यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, जिनमें स्ट्रीट 68 है, 69 है और 70 है, और एक दो स्ट्रीट्स और भी हैं इसके सराउंडिंग में शॉपिंग गैलरी के सामने। तो वो भी लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन इस टाइम क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क चल रहा है तो आपको कम प्राइस के अंदर देखने को मिलती हैं, तो वो आपको अंडर 50 लाख वो स्ट्रीट्स भी मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसा एंड यूज़र लेना चाह रहे हैं और आप अगले चंद महीनों के अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट लोकेशन मेरे राइट साइड पर अली ब्लॉक है, अली ब्लॉक हो सकती है। अली ब्लॉक इस टाइम 100% लिवेबल हो चुका है, हर गली के अंदर आपको दर्जनों घर ऐसे मिलते हैं जिनमें इस टाइम फैमिलीज ऑक्यूपाइड हैं, कंस्ट्रक्शन आपको हर दूसरे प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन होती हुई मिलती है। इसके अलावा अगर इससे भी कम बजट है आपका और आपका कुछ टाइम जो टाइमलाइन है यहाँ पे शिफ्ट होने की वो भी तकरीबन कुछ 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर है, तो आप फिर 15 और 14 को भी कंसीडर कर सकते हैं, परसेंट 27 को कंसीडर कर सकते हैं, इसके अलावा 10B 11B को भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। और इस टाइम अगर हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आपको 27 मिलता है और 15A और 15B देखने को मिलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये जो सबसे द मोस्ट डिमांडिंग क्लस्टर है अली ब्लॉक का, प्रेजेंट 14 का 15 का, तो ये उसके बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में ही ये प्रेजेंट लोकेट करते हैं, प्रेजेंट 27 भी बिल्कुल बराबर में ही लोकेट करता है, और आसपास आपको सारी अट्रैक्शंस देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे बैरिया गोल्फ भी इसी के सराउंडिंग में है, इसी से थोड़ा आगे जाके है, बैरिया का डांसिंग फाउंटेन है, या जिस तरह की जितनी भी सारी अट्रैक्शंस हैं, बैरिया की ग्रैंड मॉस्क है, वो सारी की सारी आपको इसी एरिया के आसपास देखने को मिलते हैं। तो ये एरियाज आपके लिए बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में फ्रूटफुल हो सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप 26A को भी कंसिडर करना चाह रहे हैं तो 26A के भी कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो 100% रेडी हैं, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी प्राइस ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलते हैं तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और प्रेसेंट में जाना चाह रहे हैं, कम बजट है आपका, तो फिर आपके लिए 23-25A के कुछ प्लॉट्स जो सेफ़ हैं, और इसके अलावा 24-25 वो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं अगर आपकी प्लानिंग थोड़ी लंबी है। तो ये तो था आज की हमारी डिस्कशन आपके साथ, हम चाह रहे थे कि आपके साथ 125 स्क्वायर यार्ड्स की कंप्लीट डिस्कशन करें बैरिया टाउन में जो जो भी प्रीसेंट इस टाइम है 125 स्क्वायर यार्ड वाले, तो ये हमने आपके साथ डिस्कशन की है। हम चाहते हैं कि इसके वाले से मज़ीद भी आप इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखें हमारे कमेंट्स बॉक्स के अंदर, और जो जो हमारे क्लाइंट्स ये वीडियो देख रहे हैं अपनी राय से भी आगाह करें हमें कमेंट्स में कि आपको कौन सा प्रेजेंट इस टाइम बेस्ट लगता है, और आप अगर आपके पास अगर 50 लाख का या 60 लाख की ब्रैकेट के अंदर बजट हो तो आप कौन सा प्रेजेंट इस टाइम प्रेफर करेंगे, और उसकी रीज़न भी अगर हो सके शेयर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में हम अपने क्लाइंट्स को मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहें। और अगर आपकी कोई सजेशन है हमारे लिए तो वो भी आप हमें बताएं हमारे कमेंट्स में, और हमारा नंबर भी गिवन है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी रब्ता कर सकते हैं, आपको प्रॉपर रिस्पांस दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बैरिया टाउन कराची में, तो उसके वाले से भी आप हमसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, रहनमाई भी ले सकते हैं, हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ रईस ज़ाहिद फ्रॉम ABSN एसोसिएट्स बैरिया टाउन कराची, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।